नमस्कार दोस्तों, 13 सितंबर 2010 को एक कार्गो विमान दुबई से जर्मनी जाने के लिए रेडी होती है। शाम को 6:53 पर वह अपनी उड़ान भरती है, जिसमें बहुत सारे केमिकल और मशीनरी सामान लोड किए गए थे। इस कार्गो विमान के कैप्टन हैं डगलस लैम्पे, जिनकी उम्र इस समय 48 साल की है, और एक फर्स्ट अफसर मैथ्यू वेल है, जिनकी उम्र इस समय 36 साल की है। उड़ान के सिर्फ 15 मिनट बाद कॉकपिट में लगे आगे डिस्प्ले पर एक सूचना आती है, यह संदेश था आग लगने की। तब तक यह विमान दुबई से 220 किलोमीटर दूर जा चुका था। तुरंत ही मैथ्यू वेल ने कॉकपिट में आग लगने की सूचना देते हैं, लेकिन दोस्तों इस समय उनका हवाई जहाज बहरीन के हवाई क्षेत्र में इंटर कर चुका था और ये दुबई एटीसी से संपर्क नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि आग लगने से रेडियो पैनल में भारी मात्रा में धुआं जा चुका था, जिसकी वजह सिग्नल बाहर नहीं आ पा रहा था। इस वजह से दुबई एटीसी संपर्क नहीं बनाया जा सकता था। हालांकि कैप्टन ने दुबई तक अपने प्लेन को वापस लेकर आते हैं, लेकिन साथ ही साथ वो बेहोश भी हो जाते हैं। इसके साथ एक बहुत ही बड़ी घटना घटती है दोस्तों। इसमें मैथ्यू वेल भी अपनी बहुत ही जिम्मेदारी से अपनी भूमिका निभाई और इस जहाज को उड़ाकर दुबई तक वापस ले आते हैं, दुबई के शारजहां हवाई अड्डे तक। लेकिन आइए समझते हैं आज इस वीडियो में क्या होता है, उनके साथ बचते हैं या नहीं बचते, क्योंकि इतनी भयानक आग लगी थी कि बच पाना उन दोनों को नामुमकिन लग रहा था। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले हमारे सभी वीडियोस आपको प्राप्त हो सके, और पिछली वीडियो दी गई है यूट्यूब पर वो भी आपको प्राप्त हो सके और आपको रिकमेंड करने लगे। दोस्तों इस जहाज का नाम था बोइंग 747-400F, जिसे सितंबर 2007 को यूपीएस एयरलाइंस को दिया गया था। अभी तक यह जहाज लगभग 10,000 घंटों तक की उड़ान भर चुकी है। इसमें लगे हैं 4 टर्बोफैन, यानी जहाज के एक पंख में 2 इंजन लगे हैं, क्योंकि यह कार्गो विमान है। कार्गो विमान होता है बहुत ही भारी, क्योंकि उसमें मशीनरी सामान और केमिकल को लोड किया जाता है। दोस्तों जैसा कि हम पीछे वीडियो में बताए कि यह जहाज जिस समय आग लगी थी उसमें 220 किलोमीटर दूर बहरीन हवाई क्षेत्र में उड़ रहा था, और दुबई से कोई संपर्क स्थापित नहीं किया जा रहा, क्योंकि सिग्नल रेडियो में भारी मात्रा में धुआं जाने के कारण वह सिग्नल को नहीं भेज पा रहा था, यानी ट्रांसमिट नहीं कर पा रहा था। इसलिए कैप्टन ने पहले सोचा कि दुबई न जाकर हम पहले कतर में उतर जाते हैं, लेकिन बाद में फैसला करते हैं कि नहीं, हम दुबई सीधा लेकर जाएंगे इस जहाज को। तब तक यह जहाज ऑटो पायलट मोड पर चल रहा था, लेकिन अब इसे कैप्टन अपने हाथ में ले लेते हैं, यानी कि अब मैनुअल इसकी उड़ान भरी जा रही थी दोस्तों। लेकिन आग भयानक होने की वजह से एक सुरक्षा लाइन को, यानी जो सुरक्षा सील होती है, उसको चीर चुका था या उसको जला चुका था, जिसकी वजह से कार्गो में जो सामान रखे गए थे केमिकल, उसमें भी आग पकड़ लिए गए थे और भारी मात्रा में जहरीली गैस निकलने लगी, यानी कि उस जहाज में से लीक होने लगी और कॉकपिट में आने लगी। आइए बताते हैं आगे क्या होता है। फिर साथ ही साथ इसके जो प्राइमरी सिस्टम उड़ान वाले होते हैं, ये भी जलकर राख हो गए थे। इस तरह से बोइंग 747 जो है अपंग हो जाता है अपने आप से, यानी कि सिर्फ उसको मैनुअल उड़ान ही भरा जा सकता है। लेकिन कहावत है ना कि आसमान से गिरे खजूर पट के। दोस्तों आगे होता है क्या कि 7:20 पर कैप्टन का ऑक्सीजन जो मास्क था वो भी काम करना बंद कर दिया था, इसलिए फर्स्ट ऑप्शन मैथ्यू वेल मैनुअल कमांड को संभालते हैं और जहाज को उड़ाते हुए दुबई लाने के लिए प्रयास करते हैं। दोस्तों ऑक्सीजन मास्क को पुनः प्राप्त करने के लिए कैप्टन वेल अपने सीट के पीछे रखे हुए इमरजेंसी रिजर्व ऑक्सीजन सिस्टम को ऑन करने के लिए जाते हैं, लेकिन जैसे कि हमने पहले बताया कि उस जहाज में जहरीली गैस निकल रही थी, जिसकी वजह से उनके पास तो मास्क था नहीं, इस वजह से जहरीली गैस उनके अंदर चली जाती है और वहीं पर बेहोश होकर जहाज के फर्श पर गिर पड़ते हैं। अब बारी आती है दोस्तों मैथ्यू वेल की। ये बहुत ही शिद्दत से जहाज को बहुत ही गंभीरता से दुबई तक ले आते हैं, दुबई के जो शारजाह जगह है वहां तक ले आते हैं। लेकिन होता क्या है दोस्तों रडार से भी इनका संपर्क टूट जाता है जब दुबई में पहुंचते हैं, क्योंकि कनेक्शन तो हुआ था दुबई में जब पहुंचे थे, लेकिन बाद में इनका रडार से भी सिस्टम टूट जाता है, कनेक्शन टूट जाता है, और जैसे ही हवाई अड्डे पे लैंड करने वाले होते हैं एक थोड़ा सा गड़बड़ी कर देते हैं, क्योंकि इन्होंने अधिक मात्रा में उसको मुड़ाव या झुकाव दे दिया था जहाज को, जिसकी वजह से ये जहाज खाली स्थान पर जाकर गिर पड़ा और बहुत दूर सरकते हुए लगभग आधा किलोमीटर दूर तक सरकते हुए घिसते हुए, यानी कि ग्लाइडिंग करते हुए जा गिरा। कैप्टन इस समय बेहोश थे, जिसकी वजह से दर पर ही उनकी मृत्यु हो जाती है। सबसे पहले जहाज का दाहिना पंख जमीन पर लड़ता है, जिसकी वजह से जहाज धक्का खाते हुए 2 बार पलटी करता है और आगे सरकते हुए काफी दूर तक चला जाता है। दोस्तों यहाँ पर कैप्टन और फर्स्ट अफसर दोनों की मृत्यु हो जाती है और इसमें लगे सारे कार्गो सामान या मशीनरी सामान जलकर राख हो जाते हैं। दोस्तों इस तरह से यूपीएस एयरलाइन बोइंग 747-400F एक्सीडेंट होता है। दोस्तों ये बहुत खतरनाक कहानी रही है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।